My dear student, I today discuss about the pollen pistil interaction. Pollen pistil ये पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन है क्या? आफ्टर पॉलिनेशन पॉलिन ग्रेन सेल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट टू फॉर्मिंग पॉलिन ट्यूब एंड द पॉलिन ट्यूब दैट कैरी टू मेल न्यूक्लियर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट ऑल दीज इवेंट आर टुगेदर कॉल्ड पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन. लिख सकते हैं all event after pollination pollen grain germinate to produce pollen tube and it carries two male nuclei inside it inside female gametophyte or ovule. Is called pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. Yani pollination ke baad pollen grain set on the stigma where it germinate and forming pollen tube. Pollen tube that comes out from the pollen jar core and it carries two male nuclei and finally enters inside the female gametophyte where it releases two male nuclei. All these events are called pollen pistil interaction. Actually, pollen pistil interaction is a chemical phenomenon. Yeah, kya hai? A chemical phenomenon. So, as the pollen grain set on a stigma, recognize right type of pollen grain. That is called compatibility.
राइट टाइप ऑफ पोलिन मिलेंगे अगर सही तरह का, यानी दूसरे स्पेसीज किसी दूसरे प्लांट का ना होके अपने ही स्पेसीज का, या जो सही पोलिन ग्रेन हो जिससे पोलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो सके, दैट इज इन प्रोडक्ट ऑफ द पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर सही तरह का पोलिन ग्रेन होगा तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो उस घटना को कहते हैं कंपेटिबिलिटी। And promotes catches germination of pollen. Germination of pollen grain. Or wrong type of pollen grain, as said, stigma reject it, that is incompatibility पॉलेन ग्रेन का नहीं होगा। पॉलेन ग्रेन जर्मिनेट एंड पॉलेन ट्यूब comes out from, इससे बाहर होके जाएगा, from germ core, and carries इतना the two male nuclei, जैसे यहां देखते हैं। अगर ये पोलन ट्यूब बाहर आ गया जर्मिनेट हो गया, इसका बाहरी वाल एग्जाइन वाला पार्ट, पोलन ट्यूब जब चला इसमें कितना मेल न्यूक्लियस है, दो मेल न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कहाँ रह गया, यहाँ साइटोप्लाज्म पॉलिन ट्यूब के अंदर में मूव कर रहा है, और ये क्या है, तो मेल न्यूक्लियस, ये क्या है, मेल न्यूक्लियस, मेल गैमेट न्यूक्लियस कह सकते हैं। और यह हो गया डायग्राम किसका, जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन, सॉरी ये क्या है, पोलन ट्यूब, स्टिग्मा से होते हुए आगे स्टाइल और ओवरी से होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जर्मिनेट करें, पॉलन ट्यूब पासेस थ्रू स्टिग्मा कॉमन स्टाइल एंड ओवरी एंड फाइनली एंड फाइनली
फीमेल गैमेटो फाइट थ्रू माइक्रो फाइट एंड फीली फॉर इसको अंडरलाइन करना है, फीली फॉर एपरेटस एंड रिलीज टू मेल न्यूक्लियाई नियर एक्सेल. All these events are called pollen pistil interaction. All these events are called pollen pistil interaction. ये डायग्राम देख लिया. अब नेक्स्ट डायग्राम एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ड्रॉ द एलएस ऑफ द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का इंटायर डायग्राम ये एक पिस्टिल हो गया. अगर यहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया और ये क्या है लोक्यूल और ये है ब्रोंक्यूल. ये रहा पॉलन ग्रेन जो इससे जर्मिनेट हुआ तो क्या चीज पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब ऐसे चला और यहां तक हम दिखा दिए डायग्राम. पॉलन ट्यूब स्टिग्मा ओवरी सबसे होते हुए फाइनली उधर से एंट्री किया और यहां पर जाकर फीमेल गैमेटोफाइट. ये है फीमेल गैमेटोफाइट और अंत में कितना मेल निकलेगा, दो मेल निकलेगा. और पिछला डायग्राम देखा था आपने यहाँ पर क्या था एक सेल. ये सारा घटना क्या कहे एलएस इसको निर्णय कर दीजिएगा. ये क्या है स्टिग्मा, ये है पॉलन ग्रेन और ये है पॉलन ट्यूब. ये क्या है स्टाइल, ये क्या है ओवरी, ये क्या है फीमेल गैमेटोफाइट. ये क्या है तो मेल न्यूक्लियर रिलीज टू मेल न्यूक्लियर रिलीज इनसाइड
स्किनर गैमेटोफाइट और बाकी जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल है, प्लासेंटा है, लोक्यूल है, ये सब पहले भी बता चुके हैं। ये हो गया डायग्राम एलएस ऑफ स्टील विथ जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। इस डायग्राम को याद रखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड से क्वेश्चन 5 मार्क्स में डायरेक्ट पूछता है। ड्रॉ द एलएस ऑफ द पिस्टिल ऑफ जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। ये डायग्राम को लिंक बना करके लेबलिंग कर दीजिए, हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंगैनी। सिंगैनी प्लांट के लिए यूज करते हैं, जबकि दूसरा इसका साइनोनिम्स फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। प्लांट में इसको सिंगैनी कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियस विद द एग सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
माइटोसिस Thank you.
यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म से आगे चल के इंपैक्ट करके एंडोस्पर्म बनाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म से एक बार फ्यूजन ऑफ